आखिर किस योद्धा ने भगवान श्री कृष्ण पर चलाए थे दो घातक बाण? क्या हुआ जब महाभारत युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दो शक्तिशाली और घातक अस्त्रों के बारे में। वह अस्त्र जो महाभारत के योद्धाओं ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे, एक जो भगवान श्री कृष्ण नियत्ते होंगे उनको चुनने का, या फिर एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत शक्तिशाली नारायणी सेना को चुनने का। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण नियत्ते लड़ने वाले थे तो फिर वह कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर दो घातक बाण चलाए थे? तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे और महाभारत युद्ध के एक योद्धा जिनका नाम भगदत्त था। इन दो योद्धाओं ने चलाए थे सबसे घातक बाण। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण पर दो सबसे घातक तीर चलाए गए। यह बात है महाभारत युद्ध की, जब कौरव और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था जिसे आज हम महाभारत कहते हैं। एक बार जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यह थी कि वह अर्जुन को मारना चाहते थे और अर्जुन भी यही चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर सकें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वह समय भी आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प अस्त्र का प्रयोग किया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर चलाने के लिए रखा था। असल में यह अस्त्र पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नांग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो वहां रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन नांग तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके के इंतजार में था। कई सारे महाभारत धार्मिक टीवी सीरियल में आपने देखा होगा, वहां कहते हैं कि उनको तक्षक नांग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न विभिन्न तरीके से अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन नांग कहता है तो कोई तक्षक नांग कहता है, और मुख्य तौर पर अश्वसेन नांग ने कर्ण को पहले ही चुन लिया था क्योंकि वह जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वह मौके के तलाश में थे, कर्ण को सर्प अस्त्र का प्रयोग करते देखा तो खुद उनके बाण पर बैठ गए। अर्जुन पर वह सर्प अस्त्र चलाया, अर्जुन तीर को नांग धारण किए पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्व से नांग को तत्काल पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। तीर अर्जुन के मस्तक के साइड से निकलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे, तभी कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा कि अभी मौका है अंगराज, तीर चलाइए और अर्जुन का वध कर दीजिए। तो कर्ण ने कहा कि मैं नियत्ते पर वार नहीं करता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन नांग के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन नांग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अश्वसेन नांग से अर्जुन को बचाया था। और एक बार महाभारत युद्ध में भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने उस वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया
और उस अस्त्र से अर्जुन की रक्षा की थी। तो दोस्तों, इन दो अस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की, जिसमें से एक बाण भूमि में गिरा तो एक बाण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया।